बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं क्वेश्चन हमारे हाथ में आता है और उसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिनका आंसर हमको बिल्कुल याद नहीं अब ऐसे केस में बच्चा भाई उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकता उसका आंसर तो लिखना ही है तो ऐसे केस में बच्चे क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर मिला जुला कर अपने दिमाग से बना बना करके आंसर लिख देते हैं लिख तो देते हैं लेकिन फिर भी एक टेंशन बना रहता है कि भाई हमने लिख तो दिया मिला जुला करके लेकिन उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा तो कितना मिलेगा कटेगा तो कितना कटेगा ये बातें जो है ना फिर भी परेशान करती रहती है बच्चों को तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्पष्ट मालूम होने वाला है कि ऐसे केस में यानी कि मिलाज उलाकर बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने से कितना नंबर मिलता है कितना नंबर कटता है ये सारी बातें स्पष्ट होने वाली है पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मिलाज उड़ा लिखने वाला बना बनाकर आंसर लिखने वाला मामला है ना इसमें नंबर मिलना तीन बातों पर डिपेंड करता है ये तीन फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं और उन तीन फैक्टर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके हेडिंग में ही आपने देखा होगा कि स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे मतलब आपको अपने शब्दों में अपनी भाषा में जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं उस भाषा में जवाब देने के लिए कहा जाता है तो इसका फ़ायदा मिलता है बच्चों को इसमें कोई डाउट नहीं है कोई दो राय नहीं है अब वो तीन फैक्टर कौन है वो आपको जान लेना है क्योंकि उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि भाई आपने जो

हमने उसको पूरा का पूरा छोड़ दिया तो चार नंबर गए हमारे मतलब एक भी नहीं मिलेगा उसमें से लेकिन अगर उस चार नंबर के क्वेश्चन में हमने अगर मिला जुला कर भी लिख दिया बना बना कर भी लिख दिया आधा अधूरा भी लिख दिया तो चार ना मिलेगा दो तो मिलेगा कुछ तो मिला ना चार जो कोई पूरा पूरा हमारा चला जा रहा था नुकसान हो रहा था उसकी जगह पर दो ही ना गया दो तो मिल ना गया ये फायदा होता है अब रही बात की ये मिलेगा कितना तो इसके पीछे जो सबसे पहला फैक्टर काम करता है वो ये होता है कि आपके जो बाकी आंसर हैं ओ कितने सही है क्योंकि भाई आपने अपने एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन तो भाई मिलाजुलाकने नहीं लिखा होगा कुछ तो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनका जवाब आपको याद होगा जिसका सही सही उत्तर आपने लिखा होगा आंसर लिखा होगा तो आपके बाकी आंसर कितने सही हैं इस पर डिपेंड करता है जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अगर कोई बच्चा अगर ऐसा है कि उसने दस क्वेश्चन का आंसर देना था दस में से आठ का सही जवाब दिया बिल्कुल परफेक्ट यानी टू द पॉइंट जवाब दिया है और दो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे और दो क्वेश्चन का आंसर उसने मिला जुड़कर लिख दिया अब जब कॉपी चेक करने वाले उस आठ क्वेश्चन को लगातार पढ़ेंगे कि भाई बिल्कुल सही सही सब दिया हुआ है तो जो नवा क्वेश्चन पे पहुंचेंगे दसवां क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा डीपली गहराई से नहीं पढ़ेंगे आंसर को फिर उस केस में क्या होता है ना कि अगर आपका एक दो क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ है तो उसका पूरा पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं यानी ये डिपेंड करता है कि भाई आपके और दूसरे क्वेश्चन के आंसर वो कैसे लिखे हुए हैं अगर वो भी सही हैं तो एक दो क्वेश्चन में बना करके लिखने से मिला जुला कर लिखने से नुकसान नहीं होता उसका फुल मार्क्स मिल जाता है लेकिन दूसरा फैक्टर जो काम करता है वो होता है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि मृदा प्रदूषण के चार कारण लिखे और आपने लिख दिया ध्वनि प्रदूषण के चार कारण क्वेश्चन पूछा गया कुछ और लिख दिया आपने कुछ और ये तो तो रिलेटेड रिलेटेड नहीं हुआ related अगर रहेगा ना तो उससे नंबर अच्छे मिलते हैं जैसे आपने मिला जुला करके ही लिखा लेकिन वो क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना नंबर मिलेगा अच्छा तीसरी बात जिस पर डिपेंड करती है और जो यू समझिए ना कि नंबर अच्छा मिलने का सबसे बड़ा एक बेस होता है आधार होता है वो होता है आपकी हैंडराइटिंग और हैंड

और ऐसे केस में जो ये धारणा बनती है ना एग्ज़ामिनर के ऊपर वो ऑटोमेटिक अच्छा बनता है कि भाई ये स्टूडेंट अच्छा है और जैसे ही ये धारणा बन गई तो फिर आपके आंसर को बहुत ज़्यादा डीपली वो पढ़ेंगे ही नहीं और जब डीपली नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपने अगर आंसर को क्वेश्चन कि, के किसी क्वेश्चन के आंसर को बना करके भी लिखा है ना तो उसका आंसर उसका नंबर काफ़ी अच्छा मिल जाता है फुल मार्क्स तक मिल सकते हैं आपको तो ये नंबर मिलना या ना मिलना या कितना मिलेगा ये इन तीन बातों पर ही डिपेंड करता है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने अपने भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह के का आंसर मिला कर लिखा है तो आपको कितना नंबर मिल सकता है तो मेरे ख्याल से आप ये बात आपके सामने स्पष्ट हो चुकी होगी फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ